हम अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय जयवीर सिंह जी, माननीय एस एम अरुण जी, माननीय सुषमा खरकवाल जी एवं अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलने दो। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और मूल्यों पर चलने के लिए पुनर्संकल्पित होने की हमें प्रेरणा देता है। जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई सामाजिक न्याय के स्थापना और सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर विशेष जोर देना बाबा साहब का ये सूत्र वाक्य रहा है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं परंपरागत रूप से हम अपने माननीय मुख्य अतिथि को बुके देंगे। मैं डॉक्टर लाल जी निर्मल प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। इसी प्रकार मैं अम्बेडकर महासभा के प्रमोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि श्री ब्रजेश पाठक जी को बुके देकर स्वागत करें। मैं महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी से आग्रह करता हूं कि माननीय जयवीर जी को बुके देकर स्वागत करें। मैं सत्या दोहरे जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय सुमरण जी का बुके देकर स्वागत करें। सर्वेश पाटिल जी से आग्रह है कि श्री सुषमा खरकवाल मेयर महोदया का बुके देकर स्वागत करें। और रामचंद पटेल जी उपाध्यक्ष वित्त विकास निगम श्री रामचंद पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय अतिथि का बुके देकर स्वागत करें। मैं आनंद द्विवेदी जी हैं, मैं अमरनाथ प्रजापति जी से आग्रह करता हूं कि उनका बुके देकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौशल विकास और के लिए जो एक महत्वपूर्ण ODOP योजना की शुरुआत की थी, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो परंपरागत रूप से पेशों से जुड़े हुए लोग थे उनके हुनर और कौशल को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में एक प्रदीप वर्मा जी हैं हमारे अम्बेडकर महासभा समाज से जुड़े हुए, वो बाबा साहब की बनी हुई बांस की प्रतिमा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप वर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि ये उनके हुनर का बड़ा अद्भुत नमूना है। प्रदीप वर्मा जी कृपया शीघ्र आ जाएं। आप प्लीज कैमरे के सामने नहीं जाइए भाई, लाने दीजिए। ये बांस की बनी बाबा साहब की प्रतिमा हस्तशिल्प का नायाब नमूना है। मैं अंबेडकर महासभा की ओर से डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर स्वागत करें।